Hi guys, myself Teddy. मैं मुकुल का बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन अब नहीं हूँ। अब मैं अकेला पड़ गया हूँ। बहुत नाराज हूँ जिंदगी से और सोना से भी। ये सोना मेरे और मुकुल के बीच में आ टपक पड़ी है। ये बात कल रात की है, जब मैं जिम करके अपने रूम में लौटा तो मैंने देखा कि हमारे रूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने अंदर झांका तो देखा सोना मुकुल की बाहों में थी। मुझसे ये सब देखा नहीं गया और मैं होटल छोड़ के अपने पेंट हाउस में आ गया। ओ मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। जो हुआ सो हुआ, मैं खुश रहने की कोशिश करूंगा। मुकुल, तुम मुझे भूलोगे तो नहीं ना? मुझे आज भी याद है कि हम कैसे एक साथ खाते थे, नहाते थे, तुम मेरी पीठ रगड़ते थे और साबुन भी लगाते थे, और मैं तुम्हें लोटा देने आता था टॉयलेट में। तुम्हें मुझसे अपने सारे कपड़े धुलवाए हैं और मैंने तुम्हारी चड्डियां तक धोई हैं। फिर एक बार मुकुल नींद में बोल रहा था कि बाबू सोना, तुम किसी और की मत होना, और तुम पर ये लाल कलर की बिंदी बहुत मस्त लगती है। मुकुल, तुम मुझसे अपनी सारी बातें शेयर करते थे कि आज सूजी का मैसेज आया और तुमने उसके साथ ढेर सारी बातें की, फिर सारे मैसेज डिलीट कर देते थे ताकि सोना ना देख ले। ख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए। ओके गाइस, मैं चलता हूँ, मेरा दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है। अब मैं स्पा करवाने जा रहा हूँ। होप सो कि जब मैं वापस आऊँ तब तक सोना चली गई हो और मुझे मेरा सोफा और मेरा प्यार वापस मिल जाए।